लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन को कैसा बैलेंस करना है ये सीखा था। अब आइए चंद ऐसे इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके नोट्स बना लेते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। आइए देखते हैं पहला इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने बैलेंस किया है, हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन में ये डिफरेंस होगा। दूसरा इक्वेशन कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन प्रोपेन, इसका एग्जांपल टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। प्रोपेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। तो यहाँ पर बैलेंस करने से पहले स्केलेटल इक्वेशन में ये 5, 3 और 4 नहीं है। आप जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तब जाके आपको ये इक्वेशन आएगा। याद रखें ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम 10th से रिलेटेड जो होगा उसके अंदर पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको केमिकल इक्वेशन इसी तरीके से दे दिया जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक देकर एक्स वाई जेड, व्हाट इज़ एक्स वाई एंड जेड आपको पूछ सकता है। तो याद रखें यह केमिकल इक्वेशन प्रोपेन 5 ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा तो आपको 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल्स ऑफ वाटर आएगा। इसके बाद वाला इक्वेशन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन आपको सेकंड चैप्टर और 11th चैप्टर में आएगा। इस रिएक्शन को थर्माइट प्रोसेस के अंडर भी आप पढ़ेंगे, थर्माइट प्रोसेस, जब रेल के बीच में जॉइनिंग करना होता है, रेल के जो पटरियां होते हैं ना उसे जब आप जोड़ना चाहते हैं तो ये रिएक्शन का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन बैलेंस होने से पहले ये 2 नहीं होंगे, यानी कि स्केलेटल इक्वेशन में ये 2 और ये 2 नहीं होगा। जब आप बैलेंस करेंगे तब जाके इक्वेशन ऐसा बनेगा, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद AgCl, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जब डिसोसिएट होता है ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट जाके 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो Ag यानी सिल्वर और Cl2 माने क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर गैस के शक्ल में बाहर निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ये आपको मालूम है, ये रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल में, यानी लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये थे चंद इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, कम से कम इनके बारे में तो मालूम होना ज़रूरी है। ये अनबैलेंस्ड है जब कैसे रहते हैं और बैलेंस होने के बाद इनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। इस रिएक्शन में AgCl gives rise to Ag+Cl2 बल के देगा, तो आप बैलेंस करने के बाद ये 2AgCl gives rise to 2Ag+Cl2 होगा। आपको इस रिएक्शन में CO2+H2O gives rise to C6H12O6+O2 बल के देगा। तो यहाँ पर ये जो 666 है ये बैलेंस करने के बाद आते हैं। यहाँ पर सोडियम रिएक्ट विथ वाटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पर बैलेंस करने के बाद ये 2 और ये 2 कोफिशिएंट्स लगेंगे। याद रखें कभी भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जाएं तो वहाँ पर आप कोफिशिएंट को चेंज करेंगे ना ही के सबस्क्रिप्ट को।
हमेशा कोफिशिएंट चेंज करके आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।